जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने पंच की हत्या करने वाले दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। वारदात के एक साल के होने के पहले ही कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपियों ने जब हत्या की घटना को अंजाम दिया था और सीसीटीवी में कैद हो गई और वारदात के बाद दोनों आरोपी पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और हत्या करने की बात कबूल करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो को अपलोड किया था। लोक अभियोजक राजेश पांडे ने बताया कि मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुष्मा गांव का है, जहां हत्या की वारदात 20 नवंबर 2021 को हुई थी। तुष्मा गांव के पंच भगवत साहू ने जमीन बिक्री की रकम को लेकर विवाद किया था, जिसके बाद सोहित केवट और सुनील केवट ने धारदार कट्टे से भगवत साहू की सरेराह गली में हत्या कर दी। गले पर बार बार सांघातिक वार करते हुए सीसीटीवी में घटना कैद हो गई थी। बाद में दोनों आरोपी गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, फिर हत्या की बात कबूल करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड किया था। मामले में शिवरी नारायण पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश ने जून दोनों आरोपी सहित केवट और सुनील केवट को फांसी की सजा सुनाई है। ग्राम तुष्मा के पंच भागवत साहू की वहां के दो ग्रामीण सोहित केवट सुनील केवट के द्वारा धारदार कत्ता से गला काटकर हत्या कर दिए गए थे। संपूर्ण विवेचना के पश्चात पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में जो गवाह थे, प्रार्थी पक्ष के द्वारा साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण कराया गया था। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो वायरल जो भी थे, सारी चीजों का माननीय न्यायालय द्वारा विस्तृत अवलोकन किया गया था।